नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जो विकलांग होते हुए भी अपना नाम दुनिया में रोशन किया। उनका नाम है बिल्मा रुडोल्फ। बिल्मा रुडोल्फ का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वे मात्र 4 वर्ष की थी तो उन्हें भयंकर निमोनिया एवं ज्वर हो गया, जिसके कारण उनको भयंकर पीलिया भी हो गया। डॉक्टर ने उन्हें पैर में ब्रेस बांधा दिया और कहा कि अब वे कभी पैर से नहीं चल सकेगी। बिल्मा की माँ उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती रहती और उन्हें ईश्वर योग्यता का उपयोग करने और हिम्मत से काम लेने हेतु उत्साहित करती रहती थी। बिल्मा रुडोल्फ बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। हार मानना तो जैसे वह जानती ही नहीं थी। 9 वर्ष की आयु में डॉक्टरों की सलाह के विपरीत उन्होंने अपने पैर से ब्रेस उतार दिए एवं धीरे धीरे पैरों पर चलना शुरू कर दिया। 13 वर्ष की आयु में दौड़ में हिस्सा लिया। वह दौड़ में बार बार पराजित हुई, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब वह प्रथम आई। 15 वर्ष की आयु में वह टेनिस स्टेट यूनिवर्सिटी गई। वहाँ वह एक टेंपल नामक कोच से मिली। उन्होंने कोच से कहा कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बननी चाहता हूँ। कोच ने उनकी लगन एवं निष्ठा दृढ़ संकल्प को देखते हुए कहा कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और इसमें मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूंगा, तुम्हें मैं ट्रेनिंग जरूर दूंगा। वह दिन भी आया जिसका बिल्मा रुडोल्फ को बेसब्री से इंतजार था। वह वर्ष 1960 के ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रही थी। बिल्मा का मुकाबला जूता हायने नामक धाविका से था, जो कभी हारी ही नहीं थी। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। बिल्मा ने जूता को पराजित किया एवं पहला प्रथम स्वर्ण पदक जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी, उसमें भी बिल्मा ने जूता को पराजित किया एवं अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। तीसरी दौड़ 400 मीटर की बेटन रिले रेसर थी। यहां भी वह जूता हायने के मुकाबले में थी। इस दौड़ में सबसे तेज धावक को सबसे अंत में रखा जाता था। यहां 3 धावकों को दौड़ने के बाद जब बेटन बिल्मा को दिया गया तो वह बेटन बिल्मा के हाथ से गिर गया, लेकिन जैसे ही बिल्मा ने जूता को दौड़ते हुए देखा उसने तुरंत बैटन दबाया और अविश्वसनीय गति से मशीन की तरह दौड़ लगा दी। इस तरह उसने तीसरा स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। यह ऐतिहासिक घटना थी। बिल्मा ने इतिहास रच दिया था। उसने दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनने का सपना साकार कर लिया। अपंग महिला का यह कारनामा इतिहास में दर्ज है। यह जीतने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार प्रेरणा पुंज है। यह उन लोगों के लिए सबक है जो अपनी असफलता के न जाने कितने बहाने बताते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं। सफलता हिम्मती, साहसी और संकल्पित लोगों की दासी है। यह सिद्ध किया बिल्मा रुडोल्फ ने। बिल्मा रुडोल्फ को सत सत नमन, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।